नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राजेश शुक्ला अपनी एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। कैंसर नाम सुनते ही हम सब के जहन में अच्छी बात नहीं आती है, सुन के बहुत डर घबराहट, ऐसे लगता है बस मृत्यु सामने खड़ी है और हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने अंदर का आत्मविश्वास और परिवार का सपोर्ट जो है हमको आगे तक लेके आता है, ठीक करने में मदद करता है। बीमारी सबको होती है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी, सब उससे निकल कर बाहर आते हैं। 9 नवंबर 2019 को जब मुझे पता चला कि कैंसर है, तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ट्रीटमेंट चलते तक भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। धीरे 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 सब चलता रहा। मेरी ननंद है बबली दीदी, वो लेकर आई थी अमित वर्मा सर के पास। उन्होंने कहा कि सर हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, और सच में अगर ईश्वर कहीं हैं तो डॉक्टर के रूप में हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अमित वर्मा सर का, जिनके पास आने के बाद कैंसर पेशेंट को भी नहीं लगेगा कि कैंसर पेशेंट है। वो इतने अच्छे से बताते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, करते हैं और लोगों से भी मिलवाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम इतना रो रही हो, क्यों रो रही हो, तुमको मैं बात कराता हूँ आराधना दीदी से, आराधना दीदी से बात करो कि तो तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या है। यहाँ जो भी आता है रोता है। मैं बोली सबको आप ऐसा बोलते होंगे सर कि रोते हैं ठीक हो जाएंगे ऐसा करके, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट बाकी बीमारियों से हम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इससे ठीक हो सकते हैं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। सर के बोलने के बाद ही लगा कि हाँ ठीक हो सकते हैं हम। बीमारी को झेलना करना बहुत कठिन है। आपके आसपास लोग आएंगे, आपको बताएंगे ये है वो है, आप किसी की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लोग ऐसी कहते रहेंगे, हमको लोगों के अनुसार नहीं चलना है, अपने अनुसार चलना है। इन सब में मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण मैं यहाँ हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको इस बीमारी से तो कुछ नहीं होने दूंगा। और दूसरा मेरी मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी मेरी ख़त्म हो गई। मेरी माँ जो है वो ये बीमारी अपने ऊपर ले ली। आपने जहाँ भी सुना होगा ये सुना होगा कि माँ के बाद बेटी को कैंसर हुआ है, लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि बेटी के बाद माँ को पता चला है। मेरा पता चल गया, इनिशियल स्टेज था, पता चल गया, ट्रीटमेंट चला और मुझे पता चला कि मुझे कीमो नहीं लगेगा, सिर्फ रेडिएशन लगेगा, और सिर्फ रेडिएशन ही हुआ मेरा। मेरे केस के बाद हम लोगों को लगा कि माँ को भी शायद दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के लगभग एक थे। तो मेरे कारण, चूँकि मेरे घर वाले सब जान गए थे कि हाँ है करके, मेरा देख करके उनका भी फटाफट इलाज शुरू हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे शहर में ये इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हमारे आते तक तो यहाँ ऑपरेशन हुआ मेरा, ऑपरेशन के बाद 25 रेडिएशन हुआ, रेडिएशन भी यहीं से हुआ मेरा। और सब डॉक्टर नर्स बहुत अच्छे हैं कैंसर वार्ड के, और सब आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आप बीमार हो। जब मैं बीमार थी तब मेरे मन में एक बात आती थी कि हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन बातों को नहीं बता सकते कि मुझे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो सोचती थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि हमको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, एक बोलने सुनने वाला कोई चाहिए। तो एक हम यहाँ संस्था है स्पंदन करके, उसमें आप कभी भी जब भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप यहाँ आकर अपनी समस्या बता सकते हैं, कह सकते हैं। मुझे लगता था कि एक ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ लोग बेझिझक आकर बोल सकें, क्योंकि कभी वक्त ऐसा भी आता है कि आप घर वालों से मित्रों से नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये हमारी एक ऐसी संस्थान है स्पंदन जो आपको ये सब प्रोवाइड कर रही है। धन्यवाद मेरा उन सब अपनों का जिन्होंने इस कठिन दौर में मेरा बहुत साथ दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड, अपनी माँ और मेरे सारे अपने घर वाले
ज्वाइंट फैमिली की हूँ, तो सब लोगों को, अपने दोस्तों को थैंक यू सुल्लू, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ।